सो अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो के आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे हों और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज तो हम निकले हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि ईद बहुत नज़दीक है, आखिरी अशरा चल ही रहा है, आप लोगों को जैसे पता है। तो सोचा क्यों ना निमट जाए, वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता अब शॉपिंग करने का और रमज़ान में निकलने का, बट ये भी ज़रूरी है। तो हम निकल चुके हैं अपना इफ्तार करके, इशा पढ़ के और शॉपिंग के लिए। आपको बता दूं मैं हमेशा की तरह आज भी आई हूँ चितली कबर, क्योंकि मुझे यहाँ की शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब शॉपिंग लेकिन ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है जहाँ पे मुझे इजीली जो मुझे चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो अक्सा और मैं आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने और ईशान हमें छोड़ के जा रहे हैं अपने काम से, और जब हमारी शॉपिंग हो जाएगी तो ये हमें लेने आ जाएंगे। तो बस ईशान यहाँ पर मुझे पैसे दे के और जा रहे हैं अपने काम से। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एंट्री करी थी तो मुझे बच्चों का यहाँ पे कलेक्शन दिखा, तो मैंने सोचा ईसा के लिए भी देख लिया जाए और ले लिया जाए, क्योंकि मुझे ईसा के लिए समर के लिए लेने थे टी शर्ट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज शब भी है माशाल्लाह से, तो बस मेरा ये था जल्दी जल्दी से मुझे जो चाहिए वो मिल जाए और मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता शॉपिंग करने का। बस ये है रमज़ान में निकलना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम यहाँ पर देखने आ गए, पहले ही दुकान बड़ी थी तो हमने यहीं से, मैंने सोचा कि सूट्स देख लिए जाए, तो सूट भी ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो गर्मी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे देखने लगी थी मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी सूट्स। तो ये जो सूट था मुझे मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये कलर भी मम्मी के पास नहीं है तो मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए ही लिया और ये मुझे पसंद आया मम्मी को लेके, जिसमें मैंने मम्मी को वीडियो कॉल पर भी दिखाया, तो मम्मी ने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। और मेरी आईज़ देखें आप किस कदर स्वेलिंग हो रही है और दर्द भी होना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं एक तो मेरी आईज़ में क्या हो गया है, ये खुद से सही हो रही है और खुद से इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है और रेड हो जाती है, तो मेरा दर्द भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भाई जो है वो हमें और सूट्स दिखाने लगे, तो मैंने सोचा अपने लिए भी यहीं से ले लूँ एक लोन का सूट। तो इन भाई ने मुझे और सूट्स भी दिखाए, पैटर्न भी चेंज दिखाए, और सबसे अच्छी बात थी इन्होंने जो थे ये स्ट्रिच सूट थे, तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगा यहाँ का, क्योंकि यार आजकल टेलर भी ना आसानी से नहीं पकड़ रहे सूट। तो ये भी बहुत अच्छा सूट था, मुझे बहुत पसंद आया। ये भी सेम उसी तरह था, बस फ़र्क इतना था कि ये सिला हुआ था और वो बिना सिला था। मैं मम्मी के लिए भी यही लेने की सोच रही थी लेकिन मम्मी ने मना कर दिया फ़ोन पे कि मुझे स्ट्रेट पेंट वाला नहीं चाहिए, तो मैंने मम्मी का ये कैंसिल करके अपने लिए ये पिक कर लिया। अच्छा अक्सर सोच रही है अक्सर भी लेना भाई, बहुत महंगे चल रहे हैं तुम्हारा तो, एक भी भला भी नहीं होगा। सारे अच्छे लग रहे हैं मम्मी के लिए आए मैंने। मैं बोलता हूं 75 एक से कम नहीं देता ये वाला। तो यहाँ पे हमने पैक करवा लिए दूसरा सूट भी, और ये भी सूट हमने मम्मी ने और मैंने अपने लिए सूट ले लिया है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं। और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, देख सकते हैं कितनी रेड हो रही है। तो बस यहाँ से निकल के आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़े तो आज इतनी भीड़ नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मार्केट का तो मत ही पूछो, मार्केट के रेट तो इतने हाई हो रहे हैं ना, बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो अक्सा को देखिए यहाँ पर ज्वेलरी शॉप, और अक्सा यहाँ से परचेज करने लगी कुछ ज्वेलरी। तो मैं अक्सा को बोल ही रही थी और कुछ लेना हो तो ले ले, लेकिन इन्होंने थोड़े से ईयर रिंग्स लिए हैं मैचिंग के अपनी ईद की ड्रेस से, क्योंकि ईद की शॉपिंग हमारी अक्सा की पहले से हो चुकी है। कुछ तो ले लो भाई, क्या अंगूठी ले लें इनमें से कोई, अच्छी लग रही है, ले लो दिखाना। तो यहाँ पे टाइम जो हो रहा है अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 9:15 के आसपास, और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे भीड़ आनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर जाने के बाद मुझे ये भीड़ दिखी, और यहाँ पे पार्टी भी चल रही है, सभी खा पी भी रहे थे। वैसे दिल्ली से आने का एक ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे मार्केट प्लेस पे है ना कुछ खाने को मिलता रहता है, तो जैसे ही आप थके तो कुछ ना कुछ खा लें। तो इस बार भी हमेशा की तरह मुझे कोई ना कोई पहचान गया, और मुझे मेरे फैंस में से कोई मिला जो मुझे पहचान के मुझसे थोड़ी सी बातें करी,
और थोड़ी सी बातें करके वो चली भी गई। तो मैं यहाँ पे घर का सामान भी देख रही थी साथ साथ। तो हमारी अक्सर को आगे बढ़ के लगी भूख, जहाँ पे हमने लिए इनके फेवरेट लौंग चूड़े, जो कि इन्हें भूख लग रही थी और इन्हें कुछ खाना था। इन्होंने पहले ही बोल दिया था भाभी अब मुझे लगने लगी है भूख, तो आप कुछ ले लीजिए अब। तो बस हमने अक्सर को दिलवाए लौंग चूड़े और मैंने खुद भी खाए और अक्सर को भी खिलाए और ठंडे ठंडे हमने शिकंजी के साथ इंजॉय करा। तो यहाँ से खा के हम आगे बढ़े तो मेरे कज़न की शॉप आ गई, फिर मैं उनसे मिलती हुई चली और पानी भी पिया वहाँ जाकर। तो ये हमारी ही शॉप है ताज एम्पोरियम, और यहाँ पे बैठे हैं मेरे कज़न की शॉप है जिन यहाँ पे लहंगे भी मिलते हैं और सूट्स भी मिलते हैं। तो बस मैं इन्हें दिखाने लगी जो मैंने शॉपिंग करी है। इन्होंने बोला ज़रा दिखाओ हमें क्या खरीद के लाई हो, कुछ लेना है पसंद कर लो। हैं मेरे मतलब का कुछ हो गई थी। तो बस अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, हमने पानी वानी पिया यहाँ पर, भाई से थोड़ी हंसी मजाक भी करी, भाई का थोड़ा सा प्रमोशन भी कर दिया, हमारी अपनी ही दुकान है। तो बस अब हम बढ़ चुके हैं आगे, और असलम चिकन हमारा जाने का था, बट मुझे यहाँ की भीड़ देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगले आधे घंटे तक तो किसी का भी नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है और हमें जाना था घर भी। तो हमने इसको स्किप करा और आगे बढ़े। तो मैं हर चीज़ के लिए अक्सर को ऑफ़र कर रही थी कि अगर वो कुछ खाना चाहे पीना चाहे तो वो यहाँ से पी सकती है, बट वो मना कर रही थी और बस वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि जब यहाँ से जाएंगे तो हम सहरी करके जाएंगे, मतलब मुझे यहाँ के खाने हैं कबाब रोल्स। तो मैंने कहा ठीक है हम कबाब रोल ही खाएँगे। तो यहाँ पर हम लालू कबाब पर पहुँच गए, और हमेशा की तरह मुझे यहाँ के कबाब बहुत पसंद है कबाब रोल्स, और हमने वही लिए अक्सा के लिए क्योंकि मेरा पेट जो था वो बिल्कुल फुल हो रहा था। तो यहाँ पर जामा मस्जिद आए और कबाब रोल ना खाए तो क्या आने का फ़ायदा यार। तो इतनी देर के बाद जो मेरी आँख थी वो अब ठीक होने को आई थी, मेरे दर्द जब से मैं आई थी तब से हो रहा था, लेकिन जब अब घर जाने का नाम आया तो अब थोड़ी सी आँख मेरी सही हो गई है। और अक्सा और मैं वेट कर रहे हैं ईशान का, क्योंकि ईशान ने बोल दिया है कि वो हमें लेने आ रहे हैं। तो बस हम कर रहे हैं ईशान का वेट। यहाँ पे फाइनली हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है और हम चले हम घर की, और अक्सा के देखें क्या ड्रामे चल रहे हैं लगी। तो ये देखें अक्सा बन चुकी हैं हमारी बेताल बच्ची सी और चढ़ चुकी हैं ईशान की गोद में, और मैं भी बैठ के और यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइज़ अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, और हमेशा की तरह हमें ऐसे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर टू ऑल।